हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स इंडी 4.1 BTRUCF का रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों, अभी इस मॉडल का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 5700 रुपीज़। अगर आपको ये मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गुप्ता रेडियोस का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा, जरूर से आप उनसे परचेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दे दूंगा। सो यार, वक्त ज्यादा न गवाते हुए अपने रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। एंड आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, दोस्तों वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, हम इसी में डिटेल साउंड टेस्ट भी देंगे इसका। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। सो वक्त ज्यादा न गवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका डिजाइन डिटेल में दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सबवूफर को डिटेल में देख लेते हैं। टॉप पर देख लीजिए हमें 3 नोब्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, बेस को एडजस्ट करने के लिए एंड ट्रेबल को एडजस्ट करने के लिए। एंड देख लीजिए दोस्तों, हमें बीच में डिस्प्ले मिल जाता है, जो भी हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हमें लाइट्स मिलती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड नीचे से देख लीजिए हमें जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी इस पे मिल जाती है। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें लाइट इफेक्ट मिलता है सामने की तरफ से। एंड इसके टॉप साइड पे देख लीजिए हमें एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है, इनपुट का बटन मिलता है, प्रीवियस का बटन मिलता है, प्ले पॉज का बटन मिलता है एंड हमें नेक्स्ट का बटन मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमें यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, सारे मीडिया कंट्रोल समेत टॉप पर मिल जाते हैं। एंड साइड से हमें देख लीजिए दोस्तों, इस पर बेस ड्राइवर मिल जाता है, 13.3 सेंटीमीटर का हमें सबवूफर ड्राइवर इस पे मिलता है, यानी कि 6.5 इंच का है। एंड दोस्तों इसका जो टोटल पावर आउटपुट है वो 45 वाट्स आरएमएस का है बेस ड्राइवर का। एंड नीचे से देख लीजिए हमें होल मिल जाता है जहाँ से एयर पास होगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सैटेलाइट स्पीकर्स को डिटेल में दिखाते हैं। एंड दोस्तों हमें इस पर 4 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं एंड सभी हमें सेम तरीके से मिलते हैं। तो हमें देख लीजिए इस पर 3 इंच के ड्राइवर्स मिल जाते हैं हर सैटेलाइट स्पीकर्स पर एंड सभी पे 15 वाट्स आरएमएस का साउंड आउटपुट मिलता है। बाकी दोस्तों डिज़ाइन भी हमें काफ़ी बढ़िया सैटेलाइट स्पीकर्स का मिलता है, आप देखिए एक बार डिटेल में। तो दोस्तों हमने आपको इसका डिज़ाइन पूरे डिटेल में दिखा दिया है। देखिए यार दोस्तों, जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी ऑसम लगता है एंड काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग भी हमें मिलती है। देखिए सामने की तरफ से पूरा ग्लॉसी फिनिशिंग हमें मिल जाती है। सो ओवरऑल यार दोस्तों, डिज़ाइन में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। अब इसका डिटेल साउंड टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं यार कि साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों साउंड टेस्ट के बाद हम आपको डिटेल पे इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताएंगे। तो देख लीजिए, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया है।
के बड़ा किया पड़ा दिया नसीब है नसीब वाले होते जो अपनों के जो देखा मैंने पा लिया YouTube के थ्रू परिवार है बना लिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक आपको पता लग गया होगा यार कि कितनी पावरफुल साउंड क्वालिटी हमें इस मॉडल पर मिल जाती है। अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी लंबा साउंड टेस्ट दिया इस वीडियो में। सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना, मतलब 5,000 से 6,000 तक का अगर आपका बजट है तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। अगर आपको मतलब सही में एक बढ़िया सिस्टम चाहिए तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ इस बात को, बहुत ही तगड़ा साउंड आउटपुट है एंड काफ़ी क्लियरिटी वाला साउंड है इसका। सो मुझे काफ़ी पसंद आया एंड तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों 5,000 से 6,000 में ये मॉडल काफ़ी बेस्ट है। एंड ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, बेस क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया मिलती है, लाउडनेस के हिसाब से भी दोस्तों काफ़ी सही है। सो ओवरऑल यार दोस्तों काफ़ी बेस्ट है। सो आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अगर आपको और डिटेल में इसका साउंड जानना होगा तो यार आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा। चलिए अब मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में डिटेल पर बता देता हूँ। तो इस पर हमें ब्लूटूथ की वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ 4.2 प्लस EDR का सपोर्ट हमें मिल जाता है। दोस्तों इस पर हमें FM, AUX, USB, SD कार्ड सबका सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो दोस्तों ये भी अच्छा है कि यार फीचर्स भी हमें इस पे सारे मिल जाते हैं, डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। एंड दोस्तों हमें इस पर फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको इसके पावर आउटपुट्स के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इस पर हमें 105 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। तभी मैं दोस्तों आपसे बोल रहा हूँ कि 5,000 से 6,000 तक की रेंज में ये काफ़ी बेस्ट मॉडल है, क्योंकि देखिए इस पर हमें 105 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। दोस्तों इस पर हमें 6.5 इंच का बेस ड्राइवर मिल जाता है एंड बेस ड्राइवर का जो आउटपुट है दोस्तों 45 वाट्स RMS का है। सो बेस भी इसका तभी काफ़ी तगड़ा हमें मिलेगा। एंड हमें इस पर 4 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं एंड दोस्तों सभी में 3-3 इंच के ड्राइवर लगे हुए हैं एंड सभी का पावर आउटपुट 15 वाट्स RMS का है। सो जो सैटेलाइट स्पीकर्स का टोटल पावर आउटपुट है दोस्तों वो 60 वाट्स RMS का है एंड सबवूफर का आउटपुट 45 वाट्स RMS का है। सो जो टोटल आउटपुट है पूरे सिस्टम की वो 105 वाट्स RMS की है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, इस पर हमें वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है सैटेलाइट स्पीकर्स पर, तो ये ड्रॉबैक लगा हमें, इस पर वॉल माउंट का ऑप्शन भी होना चाहिए था। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो सोच क्या रहे हैं यार, जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।